पंचायत अध्यक्ष जी प्रत्यक्ष निर्णय का सम्मानित करेंगे माननीय मंत्री महोदय को। शासक सुरेश महोदय जी ने 16 अगस्त या 12 अगस्त तारीख से हमारे अगर 16 अगस्त 1942 हम लोग आए वहां पर नौ लोगों के सहित ही प्रतिमा वहां पर लगी थी, उसमें 3 प्रतिमा थे और बाकी 6 लोगों के सहित स्मारक स्थल बने हुए थे और वहां पर हम लोग गए पुष्प अर्जित करने के लिए, लेकिन वहां एक बड़ी सभा का स्वरूप हो गया जिसके चलते आप सबके आने में भी लगता। मित्रों आप कल्पना करें 1942 उससे भी पहले मैं लेकर था 1857 जब अंग्रेजों के खिलाफ सबको बोलने की कोशिश नहीं करता था, तब मंगल पांडे जैसे सपूत ने उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संतोष का विरोध ठोका और मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज सेनापति की गोलियों से छोटी छोटी करने का काम किया। 20 लाख नौकरी देंगे और आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है 25,000 देंगे, इस पर आपका देखिए हम समय के अभाव में मैंने बोला नहीं, नहीं तो आज़ादी समय जब मुझे सोनभद्र दिख रहा था, प्रियंका गांधी क्या बोलेंगे, उनके नाना जो बोले थे 50 और 52 में उन्होंने भी कहा रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद उनकी दादी भी बनी देश की प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा रोटी कपड़ा और मकान, उनके पिताजी भी देश के प्रधानमंत्री थे जो माननीय विधायक जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के सर्वे कराया था तो पाया था कि जब दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो उत्तर प्रदेश से नहीं और हिंदुस्तान के गाँव गरीब किसान मजदूर के खाते में नहीं, उनके घर में भी नहीं, उनके गांव में पहुँचते पहुँचते 15 रुपया ही पहुँचता है, 85 रुपया लूटपाट कमीशनखोरी में खर्च हो जाता है। आज के प्रधानमंत्री आज के मुख्यमंत्री डंके की चोट पे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि आज लखनऊ हो या दिल्ली हो अगर कहीं से अगर 1 रुपया चलेगा अगर 100 रुपया चलेगा तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान मजदूर के गांव में नहीं उसके घर में भी नहीं उसके सीधे खाते में DBT के माध्यम से 100 रुपया ही पहुँचेगा, कोई भी माई का लाल इसमें बाटा नहीं लगा सकता। तो आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इतना काम हुआ है कि इस तरीके की यात्रा 2019 के पहले भी बहुत लोगों ने लगाया, 24 दलों का एक महाठकबंधन बना, उनके एजेंडे में कहीं हिंदुस्तान का गांव गरीब किसान मजदूर नहीं था, उनके एजेंडे में एक ही चीज़ था कि मोदी को हटाओ और मोदी जी के एजेंडे में था कि देश की गरीबी हटाओ, देश की भुखमरी हटाओ, देश की बेरोजगारी हटाओ, नौजवानों को रोजगार दो, किसानों की आमदनी दुगनी करो, मजदूरों के हाथ में काम दो, गरीबों को आवास दो, गरीबों को शौचालय दो, गरीबों के घर में बिजली के तार खंभा दो, गरीबों को राशन कार्ड दो, गरीबों को वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन दो, गरीबों को किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया दो, गरीबों के घर में इलाज के लिए 5-5 लाख रुपये का इलाज दो, यह मोदी जी ने किया और इसलिए 24 दलों का महाठकबंधन भी 2019 में बना था, उनका गठबंधन ठगबंधन एक साथ था और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता का गठबंधन सीधे मोदी जी के साथ था और पिछली बार से भी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार देश के अंदर बनी। ठीक उसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में चाहे कोई प्रतिज्ञा यात्रा निकाल ले, कोई परिवर्तन यात्रा निकाल ले, कोई यात्रा निकाल ले, जब भारतीय जनता पार्टी की यात्रा चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी की यात्रा के सामने इस बार फिर कोई नहीं बचेगा। पिछली बार 325 सीट थे तो अब की बार 350 पार नारे के साथ प्रचंड बहुमत के साथ पुनः योगी जी और मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। एक आखिरी सवाल, राजर ने कहा है कि सुभाषपा और सपा की जो गठबंधन हुई है उससे 2022 में बीजेपी साफ हो जाएगी। पिछली बार 24 दलों का जो गठबंधन हुआ था और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लोकसभा के चुनाव में अलग हट करके लड़े थे और चंदौली से लेके और बहराइच गोंडा तक पूरा साफ कर रहे थे, तो साफ वो हुए कि साफ भारतीय जनता पार्टी हुई थी, साफ कौन हुआ? और इसलिए यहाँ के किसी के गठबंधन के और किसी के महाठकबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किसी भी गाँव गरीब के गाँव में चले जाइए कैमरे को लेकर तो इनकम टैक्स पे ही, सेल टैक्स पे ही और 5 एकड़ 7 एकड़ के ऊपर के जिम्मेदार जो लोग होंगे वही उन्हीं के घर में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, नहीं तो कोई एक ऐसा गांव नहीं है, कोई एक ऐसा घर नहीं है जिसमें मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। इसलिए चाहे जितना बोलना है वो बोल लें, जब वक्त आएगा तो लोग कमल के बटन को ही दबाएं। मंत्री जी आप चलने दिया।